House Bill, I am Shaitwan Arjim, Bismillah Rahman Rahim. I am physics teacher. I am giving you the lecture about the chapter 3, craft and... kinematics, 10th class. What is kinematics? Kinematics ke maani kya hai? तो आपने अगर काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी शाखा है, इट गिव्स अस द नॉलेज अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग विद रेफरेंस ऑफ द फोर्स और विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स. यानी काइनेमेटिक्स साइंस की एक ऐसी शाखा है जो हमें ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में समझाती है जो विद रेफरेंस ऑफ द फोर्स हरकत कर रहे हैं या विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स हरकत कर रहे हैं. अब आपके ब्रेन में सवाल आएगा कि कौन से ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस ऑफ द फोर्स हरकत कर रहे हैं और कौन से ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स हरकत कर रहे हैं. तो कार, बस, ट्रक, दे आर मूविंग विद रेफरेंस ऑफ द फोर्स. कार, बस, ट्रक, ये दे आर मूविंग विद रेफरेंस ऑफ द फोर्स. बट द Sun, Moon, Earth, Planet, they are moving without reference of the force. यानी चांद हरकत कर रहा है, जमीन हरकत कर रही है, सूरज हरकत कर रहा है, ये जो हरकत कर रहे हैं इसमें किसी reference of the force की ज़रूरत नहीं है. They are moving. They are moving without reference of the force. मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ की वजह से कौन कौन से ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ हरकत कर रहे हैं. गैलीलियो वाज एन इटालियन साइंटिस्ट. ही सेड दैट इफ हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट आर थ्रोन विद सेम हाइट, कि एक बड़े ऑब्जेक्ट को और एक छोटे ऑब्जेक्ट को दे आर फॉल विद द सेम हाइट, then they will reach at the same time. अगर heavy object को और किसी lighter object को एक साथ किसी certain बुलंदी से किसी certain height से फेंका जाए तो दोनों के दोनों एक ही वक्त पर पहुंचेंगे. Acceleration due to gravity is denoted by g. The value of g for freely falling object is g is equal to 9.8 meter per second square. यानी वो ऑब्जेक्ट जो जमीन की तरफ गिरते हैं उसमें हम ग्रेविटी की कीमत 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं. What is equation of motion? There are three equation of motion. For acceleration, velocity and for calculation of the time. यानी calculation of velocity, calculation of distance and calculation of time के लिए तीन equation इस्तेमाल की जाती है. If the body start its motion with initial velocity vi after some time, एक object हरकत कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई मीटर पर सेकंड है, कुछ देर के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi अपॉन t. vf क्या है? फाइनल वेलोसिटी. vi क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें और टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a इंटू t इज इक्वल टू vf माइनस vi. अब हम vi को
दोनों तरफ ऐड करते हैं तो वी आई इज इक्वल वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इसके जरिए वी एफ वी आई ए और टी सबको कैलकुलेट किया जा सकता है। अब दूसरी आएगी और तीसरी आएगी थोड़ी सी देर के बाद। ओके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने जा रहा हूँ जिसके जरिए आप एवरेज वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस ये सब कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम सब कैलकुलेट करते हैं। इसमें ये कह रहा है सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद एवरेज वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी सेकेंड इट कवर सम डिस्टेंसेस। एक ऑब्जेक्ट जो हमारे सामने हरकत करना शुरू कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से हरकत करना शुरू कर रहा है आफ्टर टी सेकेंड। उसने कुछ फासला तय किया जो कि एस है सो दैट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होगा। अब एस इज इक्वल टू वी डैश के माने एवरेज वेलोसिटी। वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फर्स्ट वेलोसिटी प्लस सेकंड वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को डिवाइड कर दें दो से तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। इसके मीनिंग ये हो गए एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टी। आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद टी वी गेट वी एफ प्लस वी आई इंटू टी। वी एफ की कीमत क्या है? वी एफ की कीमत क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के तहत? वी आई प्लस ए टी आफ्टर वैल्यू ऑफ वी एफ पुट द वैल्यू ऑफ वी एफ इज इक्वल टू वी एफ प्लस ए टी। अगर हम वी एफ की जगह उसकी वैल्यू लेते वी आई प्लस ए टी तो हमारे यहाँ इक्वेशन बन जाएगी हमारे इक्वेशन बन जाएगी एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई अपॉन टू। ये वी आई और ये वी आई दो वी आई हैं लिहाजा हम इनको ऐड करेंगे तो ये टू वी आई इंटू टी अपॉन टू और ये टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन। अब ये स्लैश जो है आपके दोनों चीज़ों पर पड़ा हुआ है आपने स्लैश को हाफ कर दिया तो 2 vi into t upon 2 and a t square upon 2 तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया vi into t plus half a t square। इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं जिसके जरिए आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम मालूम कर सकते। अब एक रह गई थर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 2as बराबर है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर के या vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर 2as के बराबर होता है। इस इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। Suppose a car is moving with initial velocity vi initial velocity से suppose करें कि car एक object straight line में initial velocity से हरकत कर रही है after time t second it covers some distance t second के बाद वो कोई distance तय करता है then average velocity आप जानते हैं कि average जो है किसी चीज के sum को और उस नंबर से डिवाइड कर दें तो एवरेज आ सकता है। यहाँ हमारे दो वेलोसिटी हैं वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू एवरेज प्लस।
क्यू पेपर आपको। एज यू नो दैट एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई टी। अब हमने यहाँ एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रखी है और ये टाइम एस एच एस का। अब आपने कहा पुट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। टाइम वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए के बराबर है, वी गेट एस इज इक्वल टू वी गेट एस इज इक्वल टू वी डैश इन टू टी। हम जानते हैं कि एस किसके बराबर है, एवरेज वेलोसिटी उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। ये एवरेज वेलोसिटी है और ये टाइम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके यहाँ ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, ये टू मल्टीप्लाई बाई ए है तो एस किसके बराबर है, बी टू स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर। थैंक यू फॉर द प्रेजेंट।